हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आईएससी स्टेनो। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज जो है हम टॉपिक करने वाले हैं आपका इनिशियल हुक टू स्ट्रेट स्ट्रोक एंड कर्व। इसके अंदर हम सीखेंगे कि आपका आर के लिए कौन सा हुक यूज होगा, एल के लिए कौन सा यूज होगा और बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। इससे पहले जो है हमने आपका एससी एंड एसटीआर ग्रुप किया था। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो, आप एक बार देख लो ताकि जब हम आगे यूज करेंगे तो आपको वो कंसेप्ट समझ आ जाएगा, ठीक है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हम और वीडियोस आपके लिए ला सके। आइए स्टार्ट करते हैं। अब पहला आ रहा है आर हुक टू स्ट्रेट स्ट्रोक। अब इसमें क्या होगा, कुछ वर्ड दिए हुए यहाँ पे जिसमें आर मेंशन्ड है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम हुक का यूज करेंगे क्योंकि अभी इजी होगा बनाने के लिए, ठीक है। बस डायरेक्शन देखनी है। जैसे वर्ड यहाँ दिया है प्रे, पी आर ए वाई प्रे। अब प्रे के लिए पी एन आर इज देयर, तो पी आर के लिए क्या करेंगे, आर को कैसे और पी और ये ए। तो बेसिकली क्या हुआ, पी बनाया, आर को लेफ्ट साइड पे एंड ए का डॉट, प्रे हो गया ये, ठीक है। अब आप उसे वैसे नहीं बनाओगे जैसे आर नॉर्मल ऐसे होता है या ऐसे वाला, ये यूज नहीं होगा यहाँ पे, बस हुक यूज होगा, ठीक है। जब भी इनिशियल स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ आपका आर का हुक आता है, when there is a basically an R after a straight stroke, you are going to use a hook for it, ठीक है। Next word देखो, press, again P and R, so P R and S and E dot, P के साथ R है, P के साथ left side पे R का hook, E का dot और S, press, note कर लो एक बारी। Next word है price, P R I C, again P and R together, so P R S and for I और diphthong। I जो है यहाँ पे diphthong यूज हो रहा है। अगर आपने नहीं किया है तो diphthong वाली वीडियो एक बार प्लेलिस्ट से देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि I के लिए जो हम ये वाला यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका bring, B R I N G, bring। अब इसमें I R है short I, this is the third place vowel, तो अब क्या होगा, लाइन से नीचे बनेगा आपका, तो bring में B R N G और I का डॉट, ये हो गया आपका वर्ड ब्रिंग। एक बार नोट कर लो इसे। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है आपका ब्रॉट, अगेन बी आर इन द स्टार्टिंग, सो बी आर ओ शॉर्ट ओ फर्स्ट प्लेस, ब्रॉ ओ एंड ट ब्रॉट, ठीक है। अगला है ट्रिप, आई आ रहा है, आई इज थर्ड प्लेस वॉवल, ट्रिप पे टी आर लाइन कटेगा, पी एंड आई ऑन द थर्ड प्लेस, ट्रिप, नोट करो एक बारी। नेक्स्ट है ड्राइव, अगेन डी आर, तो डी आर का लू और आई ड्राइव, हवा में रहेगा बिकॉज ड्रिप्स होंगे और फर्स्ट प्लेस वो है इसीलिए ऊपर रहेगा वो। नेक्स्ट इज क्राई, सी आर एंड वाई, सो आर का हो के एंड आपका आई क्राई। नेक्स्ट वर्ड इज ट्राई, टी आर वाई, अगेन टी आर एंड आई ट्राई। उसके बाद दिया हुआ है बेटर, अब इसमें क्या हो रहा है, बेटर में स्टार्टिंग में बी आ रहा है एंड टी आर का आपका हुक लग रहा है, तो बेटर में बी ई शॉर्ट ई है, सेकंड प्लेस वाला लाइन पे बनेगा, बे ए टर टी आर है, टी आर जैसे बना देंगे बेटर हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद वर्ड है ब्रांच, ब्रा आंच ए आ रहा है, शॉर्ट ए फर्स्ट प्लेस, बी आर ए एन और सी एच ब्रांच। लास्ट वर्ड दिया हुआ इसमें क्राउड, यहाँ पे क्या है क्र आउड, आउ की साउंड आ रही है, दिस इज अ डिफ्थोंग, हमने सीखा था कि आउ आपका बनेगा ये के आर और आउ के लिए आपका हो जाएगा ये वर्ड हो गया आपका क्राउड। अब जो है हम कुछ और वर्ड्स भी प्रैक्टिस करेंगे, उससे पहले आप एक बार उसे नोट कर लो, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ और वर्ड्स, आप इन वर्ड्स को एक बार नोट कर लो फिर स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। पहला वर्ड आ रहा है प्रिज्यूम, प्रिज्यूम में क्या है पी आर स्टार्टिंग में दिख रहा है आपको, सो पी आर ई का वॉवल लाइट डॉट सेकेंड प्लेस है, एस और एम और उसके बाद यू की आवाज आ रही है, यू जाएगा एम की थर्ड प्लेस पे यहाँ पे प्रिज्यूम, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आ रहा है ब्रेक, BREAK, बी एन आर टूगेदर, सो BREAK, ब्रेक। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रायल, TRIAL, सो आई डिफ्थोंग एंड अ ट्राइफोन एंड एल, ट्रायल। ये ट्राइफोन वाला कंसेप्ट है, हमने डिफ्थोंग में कवर किया था, अगर आपको नहीं पता तो एक बार डिफ्थोंग वाली वीडियो देख लो, उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ट्रस्ट, TRUST, अगेन TR साउंड एंड ST, ये ST वाला कंसेप्ट है आपका, इससे पहली वीडियो में किया था ST एंड STR, उसमें समझाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आ रहा है ट्रस्टिंग, अगेन सेकेंड प्लेस वॉवल है, ये लाइन पे बनेगा, TRST लूप एंड एंड ट्रस्टिंग। नेक्स्ट है ड्रीम, DREAM हैवी डॉट एंड M, ड्रीम। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रुप, GR U साउंड डैश और P, ग्रुप। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है क्रॉप, क्रॉ ऑफ शॉर्ट ऑफ फर्स्ट प्लेस क्रॉ CR ऑफ डैश और P, क्रॉ। नोट कर लो एक बारी। इसके बाद आ रहा है लेबर, ले ए सेकेंड प्लेस ऑन द लाइन, ले ए एंड बी आर वर्क, लेबर। नेक्स्ट वर्ड है प्रोग्राम, PR का हो प्रो PR ओ ग्राम, फिर से GR आ रहा है, GR एंड M एंड A का डॉट फर्स्ट प्लेस, प्रोग्राम, ठीक है। अगला वर्ड है आपका वॉटर, वॉ ऑ फर्स्ट प्लेस वॉ ऑ एंड टर वॉटर। एंड लास्ट वर्ड है एड्रेस, DR का रूप आ रहा है, DREAS एड्रेस। नोट कर लो एक बारी। ये हमने कंप्लीट कर लिया आपका R हुक टू स्ट्रेट स्ट्रोक। इसके बाद अब अगली वीडियो में हम एल हुक बनाना सिखाएंगे कि एल हुक कैसे बनेगा वर्ड्स के साथ। अभी जो है ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना डायरेक्शंस, बिकॉज एक बार जब एल हुक स्टार्ट हो जाएगा तो थोड़ा कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं। अगर आपको पता होगा आर हुक किस साइड पे बन रहा है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।